तेरे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है जिससे तेरी दुनिया यू टर्न ले लेगी। जो तूने ये पासा फेंका है ना वो बदल जाए क्योंकि जिस तनवीर के दम पे तू इतना उछल रही है ना वो तो खुद सड़कों पे आ जाएगी फिर तू किसका सहारा लेगी अपने बारे में सोच समझी अरे मिला क्या इस सारे कमरों में देख लिया लेकिन वो अखबार का टुकड़ा तो कहीं भी नहीं मिला अरे अब क्या करेंगे तो वो बेगम साहिबा मार डालेंगे अरे मरवाओगे क्या चलो ढूंढो अरे ढूंढो जल्दी वो चीज जिसके दम पर सुनहरी इतनी बातें करके चली गई कहीं उसी चीज को खाला खालो भी तो नहीं ढूंढ रहे यही तो था ओह खाला खालू इसके बारे में बात तो नहीं कर रहे थे तुम दोनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते अगर जब तुम लोगों ने देखा था कि सनम कुछ लेके जा रही है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं अब क्या करेंगे हमारी जिंदगी में एक पल का सुकून अगर वो अखबार का टुकड़ा नहीं मिला तो हम क्या करेंगे आप इसे ढूंढ रही है ना ये तुम्हारे पास कैसे आया और तुम्हें कैसे पता था कि उन लोगों ने ये कहाँ छिपाया था बड़े भी सवाल मत कीजिए शुक्रिया अदा कीजिए मैंने कहा था ना हमारा बराबरी का रिश्ता है तो इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे आपको भी बचाना पड़ेगा अब आप भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना आहिल बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मरहूम वालिद के बरसी के मौके पर ये कुरान खानी रखी और साथ ही मासूम और यतीम बच्चों को खाना भी खिला रहे हो ये बड़े सवाब की बात है बेटा अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे और अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर व इनाम अता फरमाए और साथ ही साथ तुम्हें सब्र जमील अता फरमाए शुक्रिया मौलवी साहब लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ अम्मी के कहने पर कर रहा हूँ बस कहाँ है बेगम साहिबा कहाँ है कहीं नजर नहीं आ रही वो मौलवी साहब उनके पैर में ना थोड़ी सी चोट लगी है लेकिन वो आती ही होंगी आप आइए ना तब तक आप कुरान खानी शुरू कर सकते हैं आइए मौलवी साहब कुरान खानी आइए 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 मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सनम मौलवी साहब आए कुरान खाने के लिए जो बात करनी है उसके बाद करना ठीक है छोटी बेगम सारा खाना तैयार है बस सिर्फ आलू की सब्जी बची है औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद वो पेपर क्लिप संभाल के रखा था। लेकिन ये तो वो न्यूज़पेपर क्लिप है ही नहीं जिसमें अम्मी का राज छुपा है। किसी ने चुरा लिया है उसे। लेकिन किसने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अखबार का छोटा सा टुकड़ा जिसमें हमारी किस्मत कहती, और अब देखो अब हमारी किस्मत हमारे हाथों में। कितनी आसानी से ये सबूत हमारे हाथ लग गया जो ये साबित कर सकता था कि हम गुनहगार। अब ऐसा कोई नहीं जो हमारे गुजरे हुए कल से पर्दा उठाकर सारी दुनिया के सामने ये साबित कर सके कि ये गुनाह हमने किया था। अब हमारा गुजरा हुआ कल हमारे सामने आकर कभी खड़ा नहीं होगा। अब ना कोई निशानी बची है और ना ही कोई सबूत जो ये साबित कर सकता है कि हम यानी कि बेगम साहिबा कभी गुनहगार भी थी। नवाब साहब, भाई जान आज मौसम कितना अच्छा है ना, और ये लोकेशन कितनी खूबसूरत है। आपको पता है हया हमेशा कहती थी कि उसे टेरिस पार्टीज बहुत पसंद है। अब हया के होने वाले शौहर के नाते उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हया से निकाह इस शानदार टेरिस पर करूंगा। हया तुमसे कभी निकाह नहीं करेगी, वो मर जाएगी लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी। आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है, देखना चाहेंगे? नहीं, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो जान से मार दूंगा। रुक जाओ फैस, प्लीज ऐसी कोई बेवकूफी मत करना, प्लीज रुक जाओ। ऐसा कुछ करने से आप मुझे रोक सकते हैं भाईजान? आपको बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैं आपको अभी हया के पास ले जाऊंगा और आपको वहां पहुंचते ही उसे तलाक देना होगा। इतनी मेहनत का काम नहीं है भाईजान, आपको सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलना। वरना मैं हया को मार दूंगा। भगवान, कहाँ मिलेगी वो?
सुनो व्हाट हैपेंड. वो तनवीर कहाँ है? खाना खाना है ना, पहले वो कुरान खानी तो खत्म होने दो, फिर खाना भी मिलेगा. मुझे उसे कुछ बताना है. वो मैं जेलर, कोई जरूरी बात बतानी है जो जेल में हुआ वो. अच्छा, अरे ये पागल कहाँ से आ गई? मुझे मिलना है तनवीर से, मिलना है. नहीं मिलना है. अरे ये तो वही जेलर है जो बेगम साहिबा के साथ जेल में थी, जब बेगम साहिबा अपनी सजा काट रही थी. ये यहाँ क्या कर रही है? वो कहाँ है? अरे भगाओ उसे. अरे अरे रुक, मिलना है मुझे. आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कि इतने वर्षों के बाद आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कहाँ है तनवीर? उसे मिलना है, बताना है, बहुत जरूरी बात. वो वहाँ है अपने कमरे में. भाईजान तलाक देने का वक्त आ गया. बोलिए. राहत, राहत ऐसा मत कीजिए प्लीज. राहत, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. हमने एक और वादा किया था कि हम मेरे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे. राहत प्लीज, इसकी धमकियों में मत आइएगा. करीब मत आना हया. नहीं मैं अल्लाह का वास्ता, प्लीज ऐसा मत करो. निकाह दुनिया का सबसे पाक रिश्ता होता है और तुम ऐसे उसका मजाक नहीं बना सकते. तुम ऐसे मेरा और राहत का रिश्ता खत्म नहीं करवा सकते. सिर्फ तलाक 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 कहने से हम दोनों का रिश्ता नहीं खत्म हो सकता. और तुम जानते हो कि तुम गुनाह कर रहे हो. वैसा भी सुधर जाओ प्लीज. अपने गुनाह का हिसाब किताब तो मैं कयामत के बाद दे दूंगा. फिलहाल मैं जो चाहता हूं वो करना होगा. देखिए भाईजान, मेरे पास वक्त नहीं है. जल्दी बोलिए. मैंने कहा जल्दी करो, वक्त जाया मत करो. जल्दी कीजिए वरना मार दूंगा मैं. फिर से बोलिए. ऐसा मत कीजिए प्लीज. कहिए वरना मार दूंगा इसमें. बस आखिरी बार बोलिए वरना मार दूंगा इसे. नहीं. अगर आप हया को जिंदा रखना चाहते हैं तो बोलिए. मैंने कहा बोलिए. सच कह रहा हूं, बोलिए.
नहीं हया नहीं, इस बार नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम पिछली बार की तरह मुझे फिर बेवकूफ बना दोगे? नहीं। जाने दो उसे, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। अब हम दोनों के बीच और कोई नहीं आ सकता। कबूल है, कबूल है। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम लोग हमें इतनी आसानी से हरा सकते हो? अब देखना कि हम इसका क्या करते हैं। मैं हूं जेलर। तुमने पहचाना नहीं तन्वी? आप यहां क्या कर रही हैं? हमने आपसे कहा था ना कि हम इस जिंदगी में दोबारा आपसे कभी नहीं मिलना चाहते, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम मानते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है हमने उसकी कीमत आपको चुका दी है। देखिए, हम आपको और कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह के वास्ते आप चली जाइए। नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं, मैं तो कुछ देने आई हूँ। देने? क्या देने आई है? अच्छा। 20 साल पहले तुम्हारा बच्चा, वो मरा नहीं, जिंदा है। 20 साल पहले तुम्हारा बच्चा, वो मरा नहीं, जिंदा है। तुम्हारा बच्चा जिंदा है।